केंद्र में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर शहर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शनिवार को रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर अभिनंदन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना लोगिया और मोर्चा की शहर जिला अध्यक्ष रश्मि शर्मा के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को तिलक लगाकर सम्मान किया और शोभा यात्रा का संदेश दिया। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता के लिए इन सभी का मुंह मीठा कराया। लोगिया और शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार 4 वर्ष बहुत ही अहम रहे हैं। इन वर्षों में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर देश सशक्त हुआ है, देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में जनता का विश्वास बढ़ा। केवल मोदी ही देश और जनता का भला कर सकते हैं, क्योंकि यह अन्य किसी दल के बस की बात नहीं है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सावित्री शर्मा, विनीता जयमन, सरोज चौधरी, सीमा शर्मा, श्वेता शर्मा, लक्ष्मी यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रही। आज हमारी मोदी सरकार 4 साल पूरे हो रहे हैं, उस खुशी में आज महिला मोर्चा बस स्टैंड पर अपने यात्रियों को, अपने कंडक्टर भाइयों को, सबको तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहा है। और जो सरकार की हमारे मोदी जी की जो योजनाएँ चली हैं और जो जिनका लाभ हम आम जनता को दिला पा रहे हैं, उन सब योजनाओं को हमने आम जन को बता बता कर उनको बताया है कि इसका लाभ लीजिए। और अगर कोई परेशानियाँ कहीं हैं तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कीजिए और अपनी जो योजनाएँ हैं उनको हम सब मिलकर उनको जमीन पर लागू करें। और इसी भाव को रखते हुए हमने आज आम जनता को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और मोदी जी की जो 4 साल के कार्यकाल की जो खुशी है, इसको हमने महिला मोर्चा ने इस प्रकार से आम जन दरबार का बताया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।